तो आ गए आप, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना दोस्त सुमन असवाल, आप देखने से मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कैसे सामने वाले व्यक्ति का जो है चेहरा पढ़ सकते हैं, उसके चेहरे को देख के जो है आप बता सकते हैं कि तेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है, क्या होगा और क्या चल रहा है। जी हाँ, यानी कि आप किसी का भविष्य बता सकते हैं, भूत बता सकते हैं, वर्तमान बता सकते हैं। तो जैसे कि आपने आजकल देखा होगा, बहुत सारे जो ढोंगी बाबा हैं वो ये चीज़ करते हैं। जैसे आप उनके पास जाओगे या वो आपके पास आएंगे तो आपको देख के बता देंगे कि तेरी ज़िंदगी में पैसों की बहुत कमी है, तुझे लोग अपने ही लोग धोखा दे रहे हैं। तो आप भी बोलते हो, हाँ महाराज ये तो सच बोला आपने कि तेरी ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ था। तो आप भी उस पर यकीन कर लेते हो कि हाँ, इसको मेरी ज़िंदगी की कैसे सच्चाई पता है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बने रहें हमारे साथ। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि ये लोग कैसे करते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ विद्याएं नहीं होती है, होती है, विद्याएं होती है, ये सब विद्याएं होती है। यहाँ तक कि हस्तरेखा की विद्या होती है, मस्तिष्क रेखा की विद्या होती है, यानी कि जो हमारे हाथों पे रेखाएं हैं ये बता सकती है हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान। और हमारे जो मस्तिष्क पे रेखा होती है, हमारे माथे पे भी रेखाएं होती है, लाइन होती है, इनको अगर किसी को पढ़ना आता है तो ये भी हमारे पूरे जीवन के बारे में बता सकती है, हमारे साथ क्या हो गया है, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। एक हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, ये पूरा बता देती है कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चली गई है। पर ये ढोंगी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ये वही पढ़ पाएंगे जिनको इस बारे में पता होगा, उन्होंने अध्ययन किया होगा, पढ़ाई की होगी, वही ये चीज़ बता सकते हैं। पहला ये तरीका होता है, ये कोई टोना नहीं है, टोटका नहीं है, काला जादू नहीं है, वशीकरण नहीं है, ये एक विद्या है। जैसे हम साइंस को अगर पढ़ेंगे तो साइंस के बारे में जान पाएंगे, ऐसे ही अगर हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, उसका ज्ञान लेंगे, तो ये हम इन रेखाओं का ज्ञान जान सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। तो ये कोई टोना टोटका इत्यादि नहीं है, ठीक है। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा टोना टोटका। तो टोने टोटके से ये सब नहीं हो सकता है, ये होता है साधनाओं से। ये जो बुरी शक्तियाँ होती है, जैसे डाकनी, पिसाचनी, इनको सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। सिद्ध करके क्या होता है कि ये शक्तियाँ आपके अंडर में होती है, मतलब आपके अंडर काम करती है, आप जो बोलोगे वो ये काम करेगी। तो जैसे ही मैं आपके पास आया, आप एक तांत्रिक हो जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके पास आया और मैंने बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो एक विद्या होती है जो कि बहुत ही कठिन विद्या या साधना बोल सकते हैं, वो है कर्ण पिसाचनी। कर्ण पिसाचनी की एक साधना होती है, ऐसे बहुत सारे पिसाचनी हैं, डाकनी है, चुड़ैल है, बहुत सारे हैं इस लाइन में, कि इनको सिद्ध किया हुआ होता है बाबा लोगों ने, और ये आपको एक कान में बता देती है उस बंदे के बारे में, उस बंदे का जो टाइम गुजर गया है उसके बारे में बताती है, और जो चल रहा है उसके बारे में बताती है आपके कान पे, अगर आपने ये विद्याएँ सिद्ध कर रखी है तो। बट इसे सिद्ध करना बहुत ही टफ है, अगर आपकी सिद्ध करते टाइम कोई गलती हो गई तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव विद्याएं हैं, ये गलत विद्याएं हैं, इसको सिद्ध करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, लोगों का भला तो तुम वैसे भी नहीं कर सकते हो, लोगों को बुराई इसमें करते हैं, और जो इन विद्याओं को सिद्ध करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये होगा दूसरा पॉइंट कि आप इस तरीके से भी कोई लोगों की बात बता सकते हैं। अब रहा तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ तीसरे पॉइंट में क्या है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा किसी बंदे को देख के कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट बोलेगा कि आपके पास पैसे आते बहुत हैं बट रुकते नहीं हैं, यानी कमाते तो हो पर उनकी बरकत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, ये सबकी ज़िंदगी में यही होता है, पैसे आते हैं जाते हैं, पैसे उसी लिए बने हैं, आएंगे और जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये बोलेंगे। तीसरा बोलेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बार ऐसी घटना हुई है कि आप मरते मरते बचे हैं, मतलब आपकी लाइफ में एक बार ऐसी घटना हो चुकी है कि आप मरते मरते बचे हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है, ये भी सबकी लाइफ में एक ना एक बार होता है, चाहे छोटी घटना होगी, बड़ी घटना होगी, ये सबकी लाइफ में होगी, तो तीसरा पॉइंट भी सबकी लाइफ पे बैठ जाएगा, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट बोलेंगे, वो बोलेंगे कि आपको, आपने हर लोगों का भला चाहा पर आपके अपने ही आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो तांत्रिक लोग बोलेंगे कि आप लोगों का भला चाहते हैं, आप अपने लोगों का बहुत भला चाहते हैं, पर अपने ही लोग आपकी पीठ पर तलवार घोंप लेते हैं।
तो सबके ही दुश्मन होते हैं, सबके आस पड़ोस में कुछ ना कुछ अनबन होती है। तो ये भी एक पॉइंट फिट बैठ जाता है कि हाँ सही है, बाबा ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला मेरे बारे में। और पांचवा पॉइंट बोलेंगे कि आप जब पैसा कोई लेता है आपसे, यानी कि जब आपके पैसे देने की बारी आती है किसी को उधार, तो लोग बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं, पर जब आप उनको लौटाने का टाइम आता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आपके पैसे फंसे हैं। मतलब पांचवा पॉइंट ये रहेगा, आपके पैसे फंसे हैं, आपने उधार दिए हैं पर देने वाला जो है वो टाइम पे नहीं दे रहा है। तो हर जिंदगी किसी हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी को उधार देता है पैसा, और लौटाने वाले सबको पता है, सबकी ज़िंदगी में यही चल रहा है कि लौटाने वाले जो है टाइम पे नहीं लौटाते हैं, आज कल परसों नरसों ऐसा चलता ही रहता है। तो ये पांच पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये कोई भी बाबा आपको बोल देगा तो आप पे ये क्या होगा, फिट बैठ जाएगा और आप सोचेंगे नहीं ये तो चमत्कारी है। और आज छठा पॉइंट क्या होता है, अभी मैं आपके सामने नहीं हूं तो वो चीज़ नहीं शेयर कर सकता। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि लगभग सबकी ज़िंदगी पे ही फिट बैठते हैं। तो जो छठा पॉइंट है वो क्या होता है, फेस को देख के, चेहरे को देख के, थोड़ा बॉडी को देख के, थोड़ा नर्वस टाइप का होके जो वहाँ पे बंदा रहता है ना सामने, वो थोड़ा उनके हाव भाव को देख के भी आप कुछ पॉइंट मार सकते हैं, ठीक है। और जैसे उनकी बातों से ही कुछ पॉइंट चुराना, जैसे वो कुछ बोल रहे होंगे तो जो पीछे बात छूट गई होगी उनमें से कोई पॉइंट उठा के आपको चिपका देना, ठीक है। तो सावधान रहें ढोंगी बाबाओं से। और अगर आपको कोई ऐसा चिन्ह लगाता है, हाँ अगर ऐसा कोई आपको बोल रहे तो आप एक डायरेक्टली बोलें कि कुछ ऐसा पूछें उससे जो सिर्फ आपको पता हो और किसी को ना पता हो, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ वो सही बता रहा है। और मैंने आपको बोला ऐसा नहीं कि ऐसी विद्याएं नहीं होती है, होती है। अगर जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध बाबा हैं, जिन्होंने कठोर साधनाएं कर रखी है, तप कर रखा है, जप कर रखा है, वो बता सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बता सकते हैं। बहुत सारे सनातन धर्म में इतनी सारी विद्याएं हैं, इतने सारे टोने टोटके, काले जादू, व्हाइट जादू, सभी प्रकार की विद्याएं भरी पड़ी है। कुछ विद्याएं तो ऐसी है जो विलुप्त भी हो चुकी है, जो इंसान को चुटकी में ही पत्थर बना देते थे और चुटकी में ही पत्थर से इंसान बना देते थे। ये विद्याएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, इसीलिए जिनके पास है भी, जिन महासंतों के पास ये विद्याएं है भी, वो भी किसी को नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में अगर ये विद्या शेयर कर दी गई तो इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होगा और दुनिया वाले जी नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी विद्याएं जो बहुत गुप्त रखी जाती हैं और आसानी से किसी को नहीं बताई जाती है। बहुत जो काले जादू होते हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू एक ही हुआ, टोने टोटके, ये सब होते हैं और सब लोग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बट ये असर उनके ऊपर ही करता है जो कि सही राह पे नहीं चल रहे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई टोना टोटका मेरे ऊपर कर दिया तो मेरे ऊपर तभी काम करेगा जब मैं गलत रहूँगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और जो ढोंगे पाखंडी बाबा मैंने बताया कि दो चार पॉइंट बोल के भाग जाते हैं, तो ये कॉमन सी बात है, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है, सभी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपकी, हमारी, सबकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम होती है। जो पांच छह पॉइंट बोलते हैं वो सब पे ही मैच हो जाते हैं, यही एक ढोंगी बाबाओं की पहचान है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और कुछ सीखना चाहते हैं काले जादू के बारे में, काला जादू कैसे होता है, कौन सी साधनाएँ कैसी होती है, डाकनी, पिसाचनी, ये सब जो साधनाएं हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लंबी साधना है और बहुत खतरनाक है। मतलब बिना गुरु के तो ये हो ही नहीं सकती है, मान के चलो ऐसी साधनाएं बिना गुरु के कभी हो ही नहीं सकती। अगर गुरु के साथ भी कर रहे हैं और करते समय कुछ भूल चूक, मंत्र का अगर थोड़ा भी गलत हो गया तो आप भी दुष्प्रभाव बहुत बुरा वाला पड़ सकते हैं, आप ज़िंदगी से हाथ धो बैठ सकते हैं अगर इस लाइन में जा रहे हो तो बस यही था आज के लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये बातें, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।